हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट सीरीज का पार्ट फोर, इसमें हम आपके लिए आज लाए हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर आपके बोर्ड के पेपर में 8 मार्क्स का आएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं, 5ों टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। देखिए पहले मैं आपके सामने पेपर डिस्प्ले कर देता हूँ, आप उसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप अच्छा होगा कि इसको पहले खुद सॉल्व कर लें और उसके बाद इसको सॉल्यूशन तो यहाँ पर हम दे ही देंगे आपको, उससे मैच कर सकते हैं। तो एक बार पहले इसको देख लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिबेंचर इशू करना जिसपे एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल पर पैसा लिया जाएगा, जैसे शेयर में होता है उसी टाइप का है। नॉर्मली इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं था क्योंकि शेयर में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन इस बार शेयर में क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आए थे टर्म वन में, तो हो सकता है इस बार आ जाए। और फिर इसमें एक ये भी डिफरेंस है कि शेयर को आप प्रीमियम और पार पर इशू कर सकते थे, लेकिन इसे पार प्रीमियम और डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं, तो हमने डिस्काउंट वाला पार्ट इसमें लिया है। तो देखिए क्वेश्चन है कि रामा लिमिटेड ने 10,008% डिवेंचर ऑफ 50 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू बी पेड एज गिवन बिलो इशू किए, यानी कि 10,000 डिवेंचर 50 रुपये का एक 10% डिस्काउंट पर इशू किए, एप्लीकेशन पर 10, अलॉटमेंट पर 15, फाइनल कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर रिमेनिंग अमाउंट एप्लीकेशन मिली 8,000 डिवेंचर के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ बना लेते हैं टेबल, एप्लीकेशन पर हमको मिले 8,000 डिवेंचर है ना, 10,000 इशू के पर एप्लीकेशन 8 के लाए तो 8 ही लेंगे आप यहाँ पर, तो 10 रुपये आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। उसके बाद अलॉटमेंट पर भी आपको 8,000 × 15 तो आपको मिलना है, लेकिन जो डिस्काउंट है उसका भी ट्रीटमेंट दिखाना है आपने, और यहाँ बताया नहीं कि कहाँ पर करना है, तो आपको इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन उसे अलॉटमेंट पे ट्रीट करना होता है। तो 15 रुपये तो आपको मिलेंगे, लेकिन 5 रुपये डिस्काउंट के भी जोड़ देंगे तो टोटल 20 रुपये यहाँ पर ड्यू होगा, ये डिस्काउंट का हो गया। और वो 5 रुपीज़ जो आप इसमें ऐड करें आपने, वो आपको एक्चुअली मिलेगा नहीं, इसलिए आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। तो अब ये सोचते हैं कई लोग कि इसको माइनस करना तो जोड़े क्यों, इसको जोड़ा इसलिए कि फिर आपका डिवेंचर का आखिरी कॉल का अमाउंट नहीं निकलेगा सही बिना जोड़े, और फिर ट्रीटमेंट दिखाना भी आपको यहाँ पर। देखिए कॉल में देखिए आप क्या है, 8,000 डिवेंचर और बैलेंस बोला है इसमें, यानी कि बाकी अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट, तो 50 का डिवेंचर है तो 30 आ चुके हैं, तो 20 और आ जाएगा। तो ये आपका टेबल बन गया, अब आपको वन बाय वन इनके एंट्री करनी है, जैसे शेयर में करते हैं तो उसने करनी है। डिफरेंस ये है कि यहाँ कैपिटल वर्ड यूज नहीं करना है। देखिए सबसे पहले एंट्री होगी, आपको पैसा मिलेगा एप्लीकेशन का, बैंक ऑन डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आपकी पहली एंट्री बनेगी 80,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री आप करिए 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, ये आप 80,000 रुपीज यहां लिख दें। उसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करें, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट के साथ ही आपको डिस्काउंट भी डेबिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट को ड्यू करना है और डिस्काउंट क्योंकि लॉस है तो आपको इसको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट होता है सभी लॉस। तो आप लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखिए 8,000 × 20 तो ये हो गया 1,60,000, तो किस बार है डिबेंचर के सामने, ये डी लिखा है डिबेंचर, और 8,000 × 5 40,000 ये डिस्काउंट के सामने रहता है, डिस्काउंट माइनस कर दें तो 120 आपको मिलेगा अलॉटमेंट पर, लेकिन ड्यू आपको 160 करना पड़ेगा क्योंकि 40,000 डिस्काउंट का अमाउंट है। जब आप रिसीव करेंगे तो आपको एंट्री करनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपको 1,20,000 रुपीज मिल जाएगा। देखिए ड्यू किया है आपने क्योंकि आपको डिबेंचर अकाउंट में तो पूरे पहुंचाने ना 50 रुपीज, जो 5 रुपये नहीं मिले वो भी ड्यू कर दिया आपने, लेकिन आपको मिलेंगे 120 ही, डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपको लॉस का अमाउंट है
डिस्काउंट आपने दिया है कि हम इतना पैसा कम लेंगे आपसे, तो वो आपको केवल ड्यू करना है, मिलेगा नहीं। अब आप लिखें कॉल का अमाउंट, 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखिए लास्ट कॉल आपकी 1,60,000 रुपीज से ड्यू हो जाएगी, 160, इसका अमाउंट भी आप रिसीव कर लें। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो ये 160 आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल एंट्रीज तो आपकी होगी डिबेंचर की। अब इसमें बोला हुआ है कि डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि डिस्काउंट का 1/10 और शेयर डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस भी अच्छा हुआ है, पहले उसकी एंट्री कर लेते हैं। डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस 8,000 है, तो डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस भी लॉस है या खर्चा कह सकते हैं उसको, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो आप लिखें डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपका 8,000 का एक्सपेंसेस है जो डिबेंचर इशू करने में आपको हुआ है, इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि 10% ऑफ डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस एंड 10% या 1/10 ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। तो देखिए इसका 10% तो हो गया 800, डिस्काउंट है 40, इसका हो गया 10% 4,000, इसको राइट ऑफ कर रहा है। अब देखिए आपको एक बात बता दें कि इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट जब इनको राइट ऑफ किया जाता है, तो राइट ऑफ करने के लिए आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर है तो उससे राइट ऑफ करें, नहीं है तो कैपिटल रिजर्व होगा उसमें से करें, अगर वो भी नहीं है तो बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा वहां से करें। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसके बाद आपका आता है कैपिटल रिजर्व, और उसके बाद आपका आता है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन तीनों से ये नंबर वन, इसको करना है फिर इसको करना है फिर इसको, सीक्वेंस है ये। अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिया तो आप यहां से करें, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया तो इसमें से करें, नहीं तो इसमें से करें। अगर तीनों ही दिए हैं तो जितना अमाउंट अगर पूरा का पूरा इश्योर था इसी से कर लें, इसको करने के बाद कुछ बचता है तो इससे, इस तरह से मतलब इस ऑर्डर में आपको राइट ऑफ करना है। पर इस क्वेश्चन में आपको ये दोनों चीजें नहीं दी हुई हैं, तो आपको एक बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो आप यह लिखते हैं 800, 4,000, 4,800। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि आपने डिवेंचर इशू किए लेकिन आपको कैश नहीं बल्कि आपने या तो एसेट्स लिए हैं, लाइबिलिटीज, किसी बिजनेस को परचेस किया आपने जिसमें आपको कुछ एसेट्स मिली हैं और कुछ लाइबिलिटीज भी हैं, या सिंपल एसेट ही हो सकता है परचेस करने के लिए दे दिया हो। तो जो यहां पर हमने क्वेश्चन लिया उसमें किसी के चलते हुए बिजनेस को लिया है, उसमें कुछ एसेट कुछ लाइबिलिटी मिली है। इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना होता है कि अगर आपको परचेस कंसिडरेशन दिया हुआ है, यानी कि ये बताया हुआ है कि इस सबके बदले में आपको क्या पेमेंट करना है, तो फिर आपका कैपिटल रिजर्व या गुडविल में से कोई एक चीज निकलता है। और अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं बताया तो फिर तो सिंपल है, आप सभी एसेट डेबिट करें, लाइबिलिटी क्रेडिट करें, जो डिफरेंस आएगा वो आपने पेमेंट करना है उसको, वही परचेज कंसिडरेशन होगा, फिर नहीं निकलेगा कैपिटल रिजर्व और गुडविल। लेकिन इसमें कंसिडरेशन दिया हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ निकल के आएगा, ध्यान रखना है। तो देखिए एक्स लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ जेट लिमिटेड फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,90,000, इट रिसीव फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एक्स लिमिटेड ने जेट लिमिटेड को परचेज किया, 6,90,000 कंसिडरेशन डिसाइड हो गया, क्या एसेट्स लाइबिलिटी मिली है उनको हम डायरेक्ट लिख ही लेते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन आपने देख लिया है और देखिए क्या क्या मिला है, एसेट जितनी मिली है सब डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी क्रेडिट। एसेट में क्या मिला है, बिल्डिंग, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग है 220 की। उसके बाद फर्नीचर भी एसेट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर है 170 का। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर भी एसेट होते हैं, सन्ड्री डेटर है 1,50,000 के। उसके बाद मोटर वैन, ये भी एसेट है, इसको भी डेबिट कर लो, मोटर वैन अकाउंट डेबिट 1,50,000।
90,000। नेक्स्ट है क्रेडिटर। अब देखिए थोड़ा हम गैप छोड़ रहे हैं क्योंकि हो सकता है गुडविल निकले तो डेबिट करना पड़ेगा और कैपिटल जब निकलेगा तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अब लाइबिलिटीज दी हुई है टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है तो आप उसको क्रेडिट कर दें 60,000 और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000, ये आपने लाइबिलिटीज लिख दी, इतना ही दिया होता। अब परचेज कंसिडरेशन देना है, देखिए क्या लिखा है, आपको एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ एक्स और जिससे आप खरीद रहे हैं उसका नाम है जेड, तो यानी कि टू जेड लिमिटेड 690 आपने पे करना है। अब आप टोटल चेक कर लेते हैं एक बार उनका कि डेबिट क्रेडिट का टोटल क्या है। देखिए 220 प्लस 170 150 190 730 टोटल आ रहा है हमारा डेबिट का और क्रेडिट का रहा है 690 प्लस 80,000, ये दोनों हो गए 770। तो क्रेडिट का टोटल 40,000 ज्यादा है, तो क्रेडिट का ज्यादा तो आपको यहां लिखना पड़ेगा डेबिट में बैलेंस करने के लिए 40,000, तो ये आपका गुडविल निकल करके आ गया। तो इसलिए हमने जगह छोड़ी थी गुडविल अकाउंट डेबिट, ये आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, पहला परचेस करने का हो गया। अब आपको क्या करना है, ये 690,000 रुपीज आपने पेमेंट करने हैं किसमें, डिबेंचर्स में, और लिखा हुआ है कि डिबेंचर आपको पेमेंट करना है 5% के प्रीमियम पर। तब आप देखिए इसको कैसे करा जाएगा, देखिए एक बार समझ लीजिए इसको, इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर निकालें, आप पहले डिबेंचर की वैल्यू आपको दी हुई है 100 रुपीज और प्लस 5 रुपीज आपने प्रीमियम लेना है, तो यानी कि एक डिबेंचर से आप 105 रुपया पे कर सकते हैं, तो इशू प्राइस डिबेंचर का हो गया 105 रुपये, 10% डिस्काउंट है, तो प्रीमियम है 5%, डिबेंचर का नाम है 5% का डिस्को, इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5%, उसको हमने ट्रेड नहीं करना है, प्रीमियम 10% है तो 110 हो जाएगा, 110 रुपये डिबेंचर का इशू प्राइस हो गया। अब आप निकाले नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो आपने 690 पे करना है, एक डिबेंचर 110 रुपीज चुकाएगा, तो आपको कितने डिबेंचर देने पड़ेंगे देख लीजिए, 690 डिवाइड बाई 110 तो 6272.7270 ऐसा जाएगा। अब डिबेंचर को आप फ्रैक्शन में इशू नहीं कर सकते, फ्रैक्शन ही आपको हटाना पड़ेगा, इसमें यह भी नहीं चलता कि 0.5 से बढ़ाए तो उसको 73 कर दें या छोटा तो वैसे ही छोड़ दें, कितना भी हो फ्रैक्शन चाहे 0.1 हो 0.2 हो 0.9 हो 99 हो, उसे छोड़ना ही पड़ेगा आपको, आप उसे छोड़ दें तो 6272 डिबेंचर आप इशू करेंगे। अब आप देखिए पहले इसको इशू करते हैं, जो कमी रह जाएगी वो हम कैश में दे देंगे उनको, तो डिबेंचर आपको कितना देना पड़ेगा 6272 × 100 तो 627200 और प्रीमियम आपका हो गया 6272 × 10 तो 62720, ये आपको अमाउंट पे करना है डिबेंचर का और प्रीमियम का अलग अलग। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखिए जेड लिमिटेड डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो देखिए यहां लिखिए आप 627200 62720, इन दोनों का हम टोटल कर लेते हैं, तो देखिए टोटल आ गया 689920। तो आपने देना था कितना 690, कितना कम रह गया 80 रुपीज कम है, तो ये 80 रुपीज आप उसको पेमेंट कर देंगे बाय चेक या चेक से बैंक से देना पड़ेगा। तो आप लिखिए जेड लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसको आप अलग से 80 रुपीज की एंट्री कर सकते हैं या आप चाहें तो यहां भी टू बैंक लिख करके एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड। कोलेटरल सिक्योरिटी होती है एक सेकेंडरी या सब्सिडरी सिक्योरिटी विच इज इशूड इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी। जब हम बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो हम उसको एक सिक्योरिटी देते हैं, मेन सिक्योरिटी जो बोलते हैं हम प्रिंसिपल सिक्योरिटी, जैसे कोई लैंड बिल्डिंग रख दी या मशीन रख दी उसके लिए हमने ऐसे प्लेज या गिरवी के रूप में, तो अगर बैंक उससे संतुष्ट नहीं है तो वो कुछ एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड करता है।
तो वो होती है सेकेंडरी या सब्सिडी सिक्योरिटी। तो उसमें अगर डिबेंचर इशू कर दिया जाए तो उसको कैसे ट्रीट करता है? देखिए दो तरीके होते हैं, एक होता है कि जब कोलेटरल सिक्योरिटी में जो डिबेंचर इशू किया उनको रिकॉर्ड करना होता है, एक होता है नहीं रिकॉर्ड करना। तो दोनों टाइप्स हम आपको करके दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क दोनों में नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णा लिमिटेड हैड 8,07% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी कि 1 अप्रैल 2021 में कृष्णा लिमिटेड के पास 8,00,000 रुपए के डिबेंचर पहले से ही इशू हो रखे हैं। ड्यूरिंग द करंट ईयर इट टूक ए लोन ऑफ 5,00,000 फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, साल के दौरान इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,00,000 का लोन लिया। तो इसकी आप एंट्री बना लीजिए लोन लेने की, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ये 5,00,000 का लोन ले लिया। अब देखिए आगे लिखा है कि सिंस बैंक वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ प्रिंसिपल सिक्योरिटी, कृष्णा लिमिटेड प्लेस 7,07% डिबेंचर विद द बैंक एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्योंकि बैंक प्रिंसिपल सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड नहीं था, तो कृष्णा लिमिटेड ने इस 5,00,000 के लोन के बदले में 7,00,000 के डिबेंचर भी एज कोलेटरल सिक्योरिटी दे दी उनको। अब आपको बोला है जर्नल एंट्री करिए, बैलेंस शीट बनाइए, इफ दे डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 7% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी और इफ दे डिसाइड टू रिकॉर्ड, तो पहले हम ले रहे हैं नॉट टू रिकॉर्ड वाला, जिसमें रिकॉर्ड नहीं करना है ऐसे कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर का इशू करना। तो हमने केवल लोन का करा है, डिबेंचर का इशू हमने नहीं किया, ठीक है? डिबेंचर इशू करने की एंट्री नहीं होगी कोलेटरल में, पहली एंट्री एक एंट्री हो गई है। अब बैलेंस शीट आपने बनानी है, तो क्या लिखा हुआ है कि 8,00,000 के डिबेंचर ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आप जो ये है ना, ये करंट ईयर आपको देखिए 22 और ये है 21 प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में आपके पास 8,00,000 के डिबेंचर पहले से आउटस्टैंडिंग है, तो आप उनको यहां लिखते हैं। अब आप नीचे आइए, तो यहां आपने क्या करना है, जो डिबेंचर्स हैं या जो बैंक लोन वगैरह होता है, जो लंबे समय के लिए उधार लिया था, उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखाते हैं जो हमने बना रखा है। इसको हमें नोट्स टू अकाउंट में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अब हम करंट ईयर में क्या अमाउंट शो करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इस हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए 7% डिबेंचर्स, ये हमारे पास 8,00,000 के पहले से ही है, तो हम इसको लिख देते हैं और लिख देते हैं इन एडिशन डिबेंचर्स ऑफ रुपीज, कितने के इशू करे थे 7,00,000 के, 7,00,000 वर इशूड एस कोलेटरल सिक्योरिटीज। इसमें बता दिया हमने कि 7% डिबेंचर हमारे पास 8,00,000 पहले से ही है, इसके अलावा हमने 7,00,000 के डिबेंचर एस कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हुए हैं। उसके अलावा जो आपने बैंक लोन लिया हुआ है उसको लिख दें यहां पर बैंक लोन 5,00,000 रुपीज, तो ये आपका हो गया 13,00,000 रुपीज, 13,00,000 रुपीज को आप यहां लिखते हैं। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसमें आपने रिकॉर्ड नहीं करना था, आपने एक ही एंट्री करी और यहां पर आपने 8% डिबेंचर केवल जो पहले से थे उनको लिया, जो कोलेटरल में इशू किए उनको नहीं लिया, बैंक लोन जोड़ा, टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग आपकी 13,00,000 रुपीज आ गए। अब करते हैं सेकेंड पार्ट, देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में आपको रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आएगा, यही रहेगा 13,18,000, इसको हम नहीं मिटा रहे, सेकेंड पार्ट में भी रहेगा। यहां आपको जर्नल एंट्री एक और करनी पड़ेगी, तो वो मैं यहां कर देता हूं। सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होगी, अब देखिए आपको करनी पड़ेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर, देख लीजिए 7% डिबेंचर्स, ये एंट्री हो जाएगी। आपने डिबेंचर 7,00,000 के इशू किए हैं, आप 7,00,000 रुपए लिख दें, ये एक एंट्री आपकी एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है, ये एंट्री है वो, ये एक पहले से थी एंट्री, दूसरे पार्ट में ये एंट्री हो जाएगी जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, यहां क्या होगा देखिए, यहां आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ये इसमें कैसे होता है आपको बताते हैं अभी, इसको हम मिटा दें और यहां पर सेकेंड पार्ट में इसको कैसे बनाना है, यहां लिखेंगे 7% डिबेंचर्स। अब देखिए आपके पास 8,00,000 के डिबेंचर थे पहले और 7,00,000 के आपने इशू किया, तो आप लिखिए टोटल 15,00,000 के डिबेंचर, 7% डिबेंचर 15,00,000 रुपीस, फिर आप करिए लेस डिबेंचर सस्पेंस, आपने जो 7,00,000 के इशू किए तो उनको लेस कर दें, ये हो गया आपका 8,00,000, बस इतना ही फर्क है।
पहले वाले पार्ट में हमने जोड़ा ही नहीं था, केवल बता दिया था लिख करके कि उसमें कोलेटरल इश्यू के एडवेंचर है, इसमें हमने जोड़ के लेस कर देना है। और अब आपने करना है एड बैंक लोन, 5 लाख का आपने बैंक लोन जोड़ना है, 13 लाख आपका आंसर आएगा जो कि पहले भी आया था, उसको आप यहां लिखते हैं। यही दोनों में फर्क है, ये दोनों पर रख के हो गए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इशू ऑफ डिवेंचर्स विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशंस आर नोन, यानी कि जब हमने डिवेंचर इशू किया तो हमें उसके रिडम्पशन के टर्म्स भी मालूम है। तो क्या होता है इसमें, 6 सिचुएशंस बन सकते हैं। देखिए आप डिवेंचर को इशू कैसे कर सकते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, और रिडीम आप कर सकते हैं पार और प्रीमियम पर। डिस्काउंट पर आप रिडीम पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि देखिए अगर आप कोई चीज 10 रुपीज में इशू कर रहे हैं और उसे कहेंगे आप हमें भी 10 दो तो हम आपको बाद में 8 या 9 लौटाएंगे, तो प्रैक्टिकल नहीं होती बात। तो और आपके कोर्स में भी नहीं है, यही 3 चीजें, 3 टाइप्स से इशू, 2 टाइप्स से रिडम्पशन, तो 3, 2, तो 6 पॉसिबिलिटीज बनती है। यानी कि पार पर इशू, पार पर रिडम्पशन, पार पर इशू, प्रीमियम पर रिडम्पशन, सबका 2-2 बन जाएंगे, तो 2, 3 या 6, तो 6 सिचुएशंस बनेंगे। तो इसमें हमने आपके लिए 4 सिचुएशन ली हुई है, उनको करके दिखाते हैं, उसी तरह से बाकी 2 भी बन जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, 5 जने एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर अंडर फॉलोइंग सिचुएशंस, और हर एक के लिए 2 एंट्री बनेंगी, जैसे पार पार वाला है तो 2 एंट्री, हर एक के लिए 2 एंट्री। तो देखिए जैसे लिखा हुआ आपको, 5 जने एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर, 10,009% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100, इशूड एट 98, रिडीमेबल एट 104। देखिए फेस वैल्यू है 100, अब इशू आपने किया कितने पर, 98 पर, और रिडीम आप करेंगे कितने पर, 104 पर। तो यानी कि डिस्काउंट और प्रीमियम हो गया, आपने इशू तो डिस्काउंट पे किया, रिडीम आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो पहली एंट्री में आपको क्या करना है, पैसा लेना है, केवल पैसा मिलेगा आपको, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब आपने एक ही साथ सारा पैसा लेना होता है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ हो जाता है। अब इशू आपने 98 पर किया ना, तो 10,000 × 98 कर दें, तो 9,80,000 रुपीज आपका आ जाएगा, ठीक है, 10,000 × 98। अब आप सेकेंड एंट्री में ये डिस्काउंट जो 2 रुपए का, ये भी और ये 4 रुपए प्रीमियम, दोनों को आपको शो करना है। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी आपकी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए जो आपने प्रीमियम देना है रिडम्पशन पर, इसको इसमें शो करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर करके, और डिस्काउंट को डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर लिखते हैं, लेकिन दोनों को ऐड करके लॉस ऑन इशू डिबेंचर में भी ले सकते हैं। तो हम दोनों को ऐड ही कर लेते हैं, चाहे तो आप अलग से लिख सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये इसमें आपका प्रीमियम आ जाएगा, और डिस्काउंट भी हम इसी में जोड़ रहे हैं। अगर आप चाहें तो डिस्काउंट को अलग से भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर, वो भी चल सकता है, ठीक है। तो इसमें जोड़ देंगे हम, इस पैसे की बात नहीं है, 2, 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और जो प्रीमियम आपने रिडम्पशन पर देना है वो आपके लिए लाइबिलिटी है, लॉस है इसलिए यहाँ पर आ गया, और लाइबिलिटी है इसलिए आपको उसको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो अब आप देखिए इसमें डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 980 है, 10,000 × 2, 20,000 तो आपका हो गया, 2 रुपये डिस्काउंट हो गया ना, 2 रुपये डिस्काउंट है, 4 रुपये प्रीमियम है, तो 10,000 डिबेंचर इशू किया तो 10 × 2 और 10 × 4, तो 60,000 रुपीज आपका आ जाएगा लॉस ऑन इशू, और डिबेंचर 10,000 × 100 10 लाख हो जाएगा, और प्रीमियम आपका हो गया ये रिडम्पशन पर 40,000। तो ये आपका पहला केस हो गया, ठीक है। सेकेंड केस देखिए लिखा है, 7,008% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू 20, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 3, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5। देखिए अब क्या है, सेकेंड पार्ट में फेस वैल्यू आपको दिया डिबेंचर की 20 रुपीज, और इशू रिडम्पशन, इशू आपने किया है कितने पर, एट ए प्रीमियम ऑफ 3, यानी कि 20 + 3, 3 रुपए प्रीमियम ले लिया आपने इस बार, और रिडीम आपने करना है एट ए प्रीमियम ऑफ 5, यानी 20 + 5, यानी कि दोनों जगह प्रीमियम है, इशू पर भी और रिडम्पशन पर भी। तो सबसे पहली एंट्री आप जो करते हैं वो
इशू की करते हैं जिसमें आपको पैसा मिलता है। तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप देखिए डिवेंचर हमने कितने इशू किया इसमें 7000 और इशू पर आपको मिलेगा 23 rupees विद प्रीमियम। तो 0003 0 7 3 21 2 70 14 और 2 16 तो 1,61,000 आपको मिलेगा यहां पर। अब आप नेक्स्ट एंट्री करेंगे 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब जो प्रीमियम आपने रिडम्पशन पर देना है इसके लिए आपको फिर से करना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। जो प्रीमियम आपको ये मिला है 3 rupees इसके लिए आप लिखें टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और जो प्रीमियम आपने पेमेंट करना है रिडम्पशन पर इसके लिए लिखा है आप टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये इसकी कंप्लीट एंट्री बनी। अब किस में क्या जाएगा, देखिए 161 तो इसमें आएगा ही। अब लॉस ऑन इशू कितना आपका 5 rupees पर डिबेंचर और डिबेंचर आपने कितने इशू किए हैं 7000 तो 7,535,000 आपका लॉस ऑन इशू है। डिबेंचर आपका 20 का है 7000 आपने इशू किया तो 1,40,000 आपके जाएंगे डिबेंचर में। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका कितना 3 rupees तो 7000 × 3 = 21 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम होगा और 7 × 5 = 35 आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा। तो ये कंप्लीट एंट्री बन गई आपकी सेकंड केस की। थर्ड देखिए क्या दिया हुआ है, ऐसे वन बाय वन आप करें बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाता है, कोई ऐसे ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। देखिए थर्ड केस, थर्ड केस में सबसे पहले डिबेंचर की फेस वैल्यू देखिए 9000 9% डिबेंचर ऑफ 50 ईच तो फेस वैल्यू है डिबेंचर की 50। इशू रिडम्पशन लिख लीजिए कितनी वैल्यू पर आपने किया, इशूड एट पार यानी कि 50 का 50 में इशू कर दिया और रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो अब आपको इशू में तो उतना ही पैसा मिलेगा जितने का डिबेंचर है क्योंकि आपने ना तो यह डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, पार है तो 50 से इंटू कर लीजिए। तो पहली एंट्री आप इसकी भी वही बनाइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें आप देखिए कितने डिबेंचर इशू किए 9000 के और 50 का है तो 1,2,3,0 9,000 की आ गई 150 आ गई और 9,545 तो 4,50,000 rupees आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट एंट्री करिए डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, देखिए 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे। उसके अलावा इसमें क्या आपने प्रीमियम देना है रिडम्पशन पर तो आप करें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। जब भी आपने प्रीमियम रिडम्पशन पर देना हो तो लॉस ऑन इशू डेबिट होता है टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब आप यहां पर तो लिखें 4,50,000 ही आ गया तो एप्लीकेशन में, अब प्रीमियम कितना देना है आपने 10% तो 4,50,000 के डिबेंचर है 10% हो गया 45,000, 10 कम कर दें यहां आ जाएगा डिवेंचर अकाउंट में 450 और 45 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये हो गया। तो ये तीन एंट्रीज बन गई। फोर्थ एंड लास्ट एंट्री देखिए क्या है, इसको फिर से हटा देते हैं और फोर्थ एंड लास्ट एंट्री आप देख लीजिए क्या बनती है। देखिए फेस वैल्यू देख लेते हैं क्या है, 8,009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच फेस वैल्यू है 100 rupees, इशू कैसे किया रिडम्पशन किस पर करेंगे तो क्या लिखा है इशूड एट 10% प्रीमियम पर रिडीमेबल एट पार पर रिडम्पशन किया है। तो हम क्या करते हैं इसमें एंट्री के लिए वहां जगह नहीं है तो यहां बना लेते हैं फोर्थ की एंट्री। पहली एंट्री हमेशा इतने वही बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ये बना लीजिए पहली एंट्री। अब देखिए इशू आपने किया प्रीमियम पर तो प्रीमियम जुड़ करके पैसा मिलेगा, 8000 डिबेंचर है 100 रुपए का एक है
तो 8000 इंटू 100 तो 8 लाख के हो गए, इसमें 10% प्रीमियम है तो 80,000 जुड़ जाएगा, तो यानी कि 880 आपको मिलेगा, 880। नेक्स्ट एंट्री आप बनाइए 9%, अच्छा यहां 9% डिवेंचर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा प्रीमियम इस बार मिला है, रिडम्पशन पर कुछ नहीं है, तो आप यहां लिखें 2 9% डिवेंचर्स अकाउंट, और जो प्रीमियम आपको मिला हो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसको यहां क्लोज कर देंगे, और 880 आप यहां लिखिए, डिवेंचर में आपने 8 लाख ट्रांसफर करना है, 80,000 आपका प्रीमियम हो गया। तो ये आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन हुआ। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, कई बार क्या होता है कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स जो होता है उसको प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ करना पड़ता है, यानी कि जितना डिबेंचर का अमाउंट आपने जिस साल यूज किया है उतना उस साल डिस्काउंट आप राइट ऑफ करें, यानी कि जहां ज्यादा पैसा यूज किया वहां ज्यादा राइट ऑफ करें, जहां कम किया वहां कम करिए। तो वो कैसे होता है देखिए, क्वेश्चन है शिवा लिमिटेड इशूड 6% 8000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन 1 अप्रैल 2015। 8000 डिबेंचर 100 रुपए का, यानी कि 8 लाख के हो गए, और इनको इशू किया गया 7% डिस्काउंट पर, यानी कि 56,000 का डिस्काउंट है। ऑन 1 अप्रैल 2015 में इशू किए, दिस डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बिगनिंग फ्रॉम 31 मार्च 2017। 4 इंस्टॉलमेंट में से आपने रिडीम करना है, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2017 से शुरू होंगी। BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ईच ईयर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि जितना पैसा जिस साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा उसके बेसिस पे हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टिल इट इज फाइनली रिटर्न ऑफ। तो आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना है जब तक वो राइट ऑफ ना हो जाए, लेकिन पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि कितना अमाउंट किस साल आपने राइट ऑफ करना है। तो देखिए कैसे बनेगी, उसमें आपको कॉलम क्या क्या बनाने हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर एंड्स ऑन कि कौन सा ईयर के लिए हम अमाउंट ले रहे हैं, फिर यहां लिखेंगे हम अमाउंट आउटस्टैंडिंग, उसके बाद ही हम लिखेंगे रेशियोज कि क्या रेशियो बनता है, उसके बाद हम ना या यहां पर हम रेशियो लिखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, और लास्ट में यहां पर हमारा जाएगा डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। देखिए आपने डिवेंचर इशू किया 1 अप्रैल 2015, तो 31 मार्च 2016 पहला ईयर होगा, 31/3/2016। लेकिन यहां आपने रिडम्पशन नहीं किया, रिडम्पशन आपने कहां से शुरू किया, 31 मार्च 2017 में, 31/3/2017। अब यहां पहला रिडम्पशन हुआ, 31/3/2018 दूसरा, तीसरा, चौथा, अच्छा 4 किस्तों में लेना ना हमने, तो पहला रिडम्पशन यहाँ होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हो जाएगा। अब कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, 8 लाख के डिवेंचर है, तो यहाँ तो आपने रिडम्पशन किया ही नहीं, तो 8 लाख पूरे आउटस्टैंडिंग है, फिर यहाँ पर भी आपने लास्ट में रिडम्पशन किया, तो यहाँ भी पूरे 8 लाख ही आउटस्टैंडिंग होंगे। अब आप आइए नेक्स्ट ईयर 2018 में, यहाँ आपने पहला रिडम्पशन कर दिया 31 मार्च में, तो अगले साल वो पैसा कम हो जाएगा, तो आपने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है, तो 2 लाख की एक इंस्टॉलमेंट बनी, तो आपने 2 लाख यहां वापस दे लिए होंगे, तो 6 लाख आपका आउटस्टैंडिंग अगले साल, फिर 4 लाख रहा, फिर यहां पर 2 लाख रहेगा, इसको आप वापस ले लोगे तो आपके डिवेंचर रिडीम हो जाएंगे पूरे। अब आपको इनका टोटल करना है, 8 और 8 16 16 और 8 26 और 28 लाख रुपीज आ गया। अब आप देखिए कि जो कॉमन वो कट सकता है, 5-5 0 इसमें सब कट जाएंगे, तो इनको आप क्रॉस कर दें, और ये 2 से भी सब कट सकते हैं, तो रेशियो जितना छोटा उतना अच्छा रहता है, 2 से डिवाइड करें 4 4 3 2 1, टोटल इसका भी हाफ हो जाएगा 14, तो ये आपका बन गया रेशियो 4/14 4/14 3/14 2/14 1/14। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, डिस्काउंट कितना आएगा, 8 लाख है, तो 8 लाख का आपका डिस्काउंट निकलेगा कितना परसेंट है, देखिए 7% 56,000, तो आप यहां लिखिए 56,000
है, चाहे तो आप इनके बीच में लाइन ड्रॉ कर ले जिससे एक दूसरे में ओवरलैप ना हो। 56,000 × 4/14, 56 × 4/14, 56 × 3/14, 56 × 2/14, 56 × 1/14। अब 14 से डिवाइड करिए, 14 × 4 = 56, तो 4000 आ गया। यहां भी 4 आएगा, इसको 2 से इंटू और कर दीजिए, 8,000, 12,000, 16,000 और 20,000, तो सॉरी 16 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। देखिए कटेगा 4 से, 14 से 4 आएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 4। तो ये हमको मालूम पड़ गया कि किस साल कितना डिस्काउंट राइट ऑफ हमने करना है। तो एक तो ये टेबल आपको पहले बनानी है, उसके बाद अब आपको बनाना है इसमें डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। वो देखिए बताते हैं आपको कितने साल है, 5 साल है ना, ये 5 साल बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको 1 साल का करके बताता हूँ, उसी के बेसिस पर आप आगे 5 साल उसको चला सकते हैं। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम इसको मिटा रहे हैं और इसके बाद हम वो अकाउंट आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए इतना हिस्सा मिटा देता हूँ, केवल हमें डिस्काउंट ध्यान रखना है कि कितना राइट ऑफ करना है। यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये लाइन ड्रॉ की हमने, डिस्काउंट जैसे बनता बना लीजिए उस हिसाब से। देखिए सबसे पहले आप स्टार्ट करिए 2015 अप्रैल 1, लिखेंगे यहां पर 26% डिबेंचर्स अकाउंट। अब टोटल डिबेंचर पर डिस्काउंट जो आपने दिया हुआ है 56,000, तो इस टोटल को आप यहाँ लिख दें 56,000। अब आप 2016 मार्च 31 में इसको राइट ऑफ करेंगे बाय बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 16,000 आपने राइट ऑफ करना है, 16 लिख दें यहाँ पर, फिर इसको 56 को इधर लाएँ और इसमें से आप 16 माइनस करें, 40,000 आपका बच जाएगा। इसको आप लिखें बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फिर आप 2016 अप्रैल 1 में इसको यहाँ ले आएँ और लिखें टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,000। अब जैसे ये करें इसी तरह से आप फिर लिखना बाय बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 16 बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन, जब तक लास्ट का बैलेंस राइट ऑफ ना हो जाए 4,000, तब तक आपको ये करते जाना है। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे बोर्ड के एग्जाम में डिबेंचर इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह से आप देखिए, समझिए और इनकी खूब प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।